अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश शाद और आबाद रखे। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने ईद की तैयारी के लिए एक वीडियो पहले अपलोड कर दी थी, अब मैं उसी का पार्ट टू अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। तो देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की थी और अब मैं आपको मज़ीद क्या क्या चीज़ें दिखा रही हूँ। टमाटर हमने कैसे प्रिजर्व करने हैं, क्योंकि टमाटर आपको पता है गर्मियों का मौसम है, अगर एक दिन बाहर भी रह जाएँ तब भी ख़राब हो जाते हैं, और अगर फ्रिज में 3-4 दिन भी रख लें तब भी ख़राब होने लगते हैं। तो हमने इसको कम अज़ कम 1 से 2 हफ्ते के लिए कैसे प्रिजर्व करना है ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो आपने ये टेप लेनी है, स्कॉच टेप, आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं, और टमाटर का जो ये वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से ऐसे टेप लगा देनी है। ये देखिए अब ये जगह जो है ये सिक्योर हो गई है, अब यहाँ से नमी वगैरह नहीं जाएगी और ये ख़राब नहीं होंगे। आराम से किसी भी कंटेनर में रख लेना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया फ्रिज में स्टोर करने का तरीका, ये फ्रिज में इस तरीके से 2 हफ्ते भी ख़राब नहीं होंगे। इसको भी अगर आप फ्रीज करना चाहें, अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर हैं तो आप फिर उस पर टेप लगाने की ज़रूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट थैली में डालें और फ्रीज कर लें। पर अब बारी आती है हरे धनिए की। तो आपको मालूम ही है कि गर्मियों के मौसम में सिर्फ एक दिन में ही हरा धनिया बुरे तरीके से मुरझा जाता है और इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है और ये ब्लैक पड़ जाता है। तो अब हमने इसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है ताकि जब हम ईद पे गोश्त की डिशेस बनाएंगे तो उसके ऊपर जब ताज़ा सब्ज़ धनिया की गार्निशिंग करते हैं तो वो बहुत ही प्यारी लगती है। तो इसके लिए हमने हरा धनिया को धो लिया है, धो के हमने इसको ज़रा टोकरी में रख दिया था बास्केट में ताकि ये ड्राई हो जाए। अब हमने अखबार लेना है या टिश्यू पेपर लेना है, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपने रखना है और जितना आपने एक वक्त में इस्तेमाल करना है आपने उसको इस तरीके से रोल बना देना। अब हमने एक पॉलीथिन का साफ सुथरा शॉपर लेना है और उसके अंदर हमने ये सारे रोल रख देने हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े धनिया की आपने एक निकालना है और इस्तेमाल करना है। अब बारी आती है पुदीने की। हरा हरा खुशबूदार पुदीना गर्मियों में हमें बहुत ही फ़र्क का एहसास देता है। इसका हम हरे पुदीने वाली चटनी बनाते हैं या हम इसको खानों में इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं या इसका मिंट मार्गरेटा बनाते हैं। तो हमने इसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है तो इसके भी 2 तरीके हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो अगर हमने मिंट मार्गरेटा के लिए रखने हैं सब्ज़ सब्ज़ पत्ते के वो बिल्कुल भी काले ना हो जाएं, तो हमने इस तरह की और इसके अंदर जो है हमने पत्ते जो हैं वो डाल देने हैं। इसमें हमने डंडियां नहीं डालनी हैं, सिर्फ पत्ते ही डालने हैं। ये देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका वही है जो मैंने अभी आपको धनिया के लिए बताया है। जितनी आपने इस्तेमाल करनी है आप उतनी लें और उसी तरह आपने इसको टिश्यू पेपर में या अखबार में इस तरीके से रोल कर दें और उसको भी आप आराम से अपने शॉपर के अंदर बंद करें। और इसके अलावा पुदीने को अगर हम गर्मियों में वैसे ही किसी प्लेट में खुला खुला रख के पंखे के नीचे सुखा लें तो वो ड्राई भी हो जाएगा और वो ड्राई फॉर्म में भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। तो ये देखें, ये हमारा पुदीना, ये फ्रिज में हम रख सकते हैं और इसको हम फ्रीज़र में इसके आइस क्यूब बना के अब हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी ये फ्राई की हुई प्याज रख रहे हैं और इसमें से आपको अब जितनी ज़रूरत हो आपने निकालनी है और आपने अपने सालन में, बिरयानी में, राइस में, कहीं भी अब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका प्याज कटिंग का और प्याज फ्राइंग का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। अब बारी आती है सब्ज़ मिर्चों की। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ताज़ा ताज़ा बहुत अच्छी लगती हैं और ये गर्मियों में थोड़े दिन पड़ी रहें तो ये भी ख़राब हो जाती हैं। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप इसकी ये जो ये वाला पार्ट है डंडी वाला, इसको आप इस तरीके से निकाल दें। सारी सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ निकाल रहे हैं क्योंकि यहीं से ये ख़राब होती हैं। ये देखें, सारी हमने डंडियाँ इसकी अलहदा कर दी हैं और अब ये हम आराम से अपने पॉलीथीन बैग में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और अपने सालन में, सब्ज़ी में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करें। जी तो व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं धनिया और पुदीने की चटनी।
तो सबसे पहले हमने पुदीना जो है वो उसके पत्ते अलहदा कर लिए हैं डंडियों से और इसको धो लिया है। हरी मिर्चों की हमने सब डंडियाँ अलहदा कर ली हैं, इनको भी वॉश कर लिया है और हरे धनिया की भी हमने सारी डंडियाँ अलहदा कर ली हैं। ये जो सॉफ्ट सी डंडियाँ हैं अगर ये आ भी जाती हैं तो इससे टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है और 2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। हम इस चटनी को बॉक्स में रख के अब हम इसको फ्रीज करेंगे। हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको हमने फ्रीजर में ही रखना है। इसमें नमक, हरी मिर्च और जीरा ऑलरेडी एडिड है और आपने सिर्फ दही में इसको सिर्फ ऐड ही करना है। आपने किसी भी किस्म के पुलाव या बिरयानी बनाई हो या कबाब या टिक्के बनाए हुए हों उनके साथ ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। करते हैं, मैंने पुदीना जो है वो फ्रीज करने के लिए रखा था। मैंने लेमन जूस के आइस क्यूब्स बनाई थी। नंबर 3rd पे मैंने प्याज फ्राई करके प्रिजर्व किया था। नंबर 4 पे मैंने ये टमाटर प्रिजर्व किए हैं। नंबर 5 पे मैंने लहसुन पीस के इसमें ऑयल डाल के प्रिजर्व किया है। नंबर 6 पे मैंने ये भिंडियाँ काट के प्रिजर्व की हैं। नंबर 7 पर ये मैंने शिमला मिर्चें काट के फ्रीज करनी है। नंबर 8 पे ये मैंने अदरक का पेस्ट बनाया है। मैंने लहसुन और अदरक का अलग अलग पेस्ट इसलिए बनाया है कि कुछ चीज़ों में हम सिर्फ लहसुन डालते हैं और कुछ में अदरक डालते हैं और कुछ में मिक्स करके डालते हैं, तो हम ये अलग अलग ही रखेंगे। इसके अलावा मैंने पुदीना और हरा धनिया जो है वो टिश्यू पेपर में रोल करके प्रिजर्व किया है और इसके अलावा मैंने ये सब्ज़ मिर्चें इनकी डंडियाँ उतार के इनको प्रिजर्व किया है। हम ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपनी किचन का पूरा जायज़ा लेना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कम हैं और जो डिशेज़ हमने ईद पर रेडी करनी है उसमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। तो हमने सारी ग्रोसरी अपनी बिफोर टाइम कर लेनी है। उसके हमने जो चीज़ें मेरी कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, मैंने उनकी ग्रोसरी कर ली है। तो सबसे पहले मैंने ये चाय की पत्ती ली है। ये मैंने एवरीडे का कार्टन पूरा मंगवाया है क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और चाय तो मस्ट होती है। इसके अलावा ये मेरे कुकिंग ऑयल हैं, चावल मंगवाए हैं, चीनी है, नमक है, धनिया है, पिसा हुआ सूख मिर्च है और ये मूंग मसूर की दालें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए ये येलो फूड कलर है, ये एक कैंडल है। इसके अलावा कॉर्न फ्लोर लिया। तो ये मैंने स्पेगेटी ली है क्योंकि ये बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं और ये हम दावत के खानों में भी बना सकते हैं। इसके नेशनल का कोरमा मसाला पैकेट लिया है, चाट मसाला लिया है, ये बच्चों के नूडल्स हैं। एक जैम हमने एप्रिकॉट का लिया है और एक डाइट ऑरेंज का लिया है। इसके अलावा ये आलू बुखारा है, ये बिरयानी में इस्तेमाल होगा। ये सोयाबीन है, रेड वाली बीन्स हैं। ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ अखरोट, बादाम, पिस्ते वगैरह। और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, किशमिश है और कुछ सोप्स लिए हैं, टिश्यू पेपर लिए हैं। इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स ली हैं और आटा भी ख़त्म था, आटा भी लिया हुआ है। इसके अलावा हमारी जो कुर्बानी होगी उसके लिए भी हमने कुछ तैयारी करनी है। हमने एक दिन पहले ही जो कसाई को चीज़ें देते हैं वो हमने तैयार करके रखनी है। ईद से पहले अगर ये सब तैयारियां करके रख लेंगी तो ईद का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में ईद आ रही है। तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो जल्दी जल्दी काम करती हैं, फिर उनका बीपी लो वगैरह हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप अपने आप को भी सेट रखेंगे और आप इस तरीके से अपने घर वालों को भी खुश रखेंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि आपके ताबुन से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।